हेलो एवरीवन, ये कॉमर्स सीरीज का 9th पार्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने आइटम डिटेल स्क्रीन और कार्ड स्क्रीन का यूआई बनाया था। तो इस वीडियो में हम आइटम डिटेल स्क्रीन और कार्ड स्क्रीन की फंक्शनैलिटी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फायरबेस में कलेक्शन शो कर देता हूँ जो कि हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर सब कलेक्शन बनाए थे प्रोडक्ट की डिटेल्स को सेव करने के लिए, तो उसके अंदर हमने एक और फील्ड ऐड करी है डिटेल आईडी नेम से, जिसकी हेल्प से हम इस प्रोडक्ट की डिटेल को शो कराएंगे। तो हमने यहाँ पे एक न्यू कलेक्शन बनाया है प्रोडक्ट्स नेम से, जिसके अंदर अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट हैं। तो इन चारों डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास 8 फील्ड हैं, जो कि है बैनर्स, डिलीवरी डेज, डिस्क्रिप्शन, आईडी, इमेज, सेल प्राइस, टाइटल और टोटल प्राइस। तो इसी का यूज़ करके हम आइटम्स की डिटेल शो करेंगे। तो आइटम डिटेल स्क्रीन के अंदर हम एक न्यू डार्ट फाइल बना लेंगे आइटम डिटेल मॉडल नेम से, मॉडल डॉट डार्ट। इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे आइटम डिटेल मॉडल, तो अब जैसा कि हमें प्रोडक्ट्स के अंदर 8 फील्ड मिलेंगी, तो हमें यहाँ पर भी 8 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, जिसमें से कि हमारे पास 2 इंट वेरिएबल हैं और एक हमारे पास एरे है बैनर्स का, और बाकी हमारे पास स्ट्रिंग है। तो हम पहले इन्हें क्रिएट कर लेते हैं। लेट स्ट्रिंग आईडी, टाइटल, इमेज, डिलीवरी डेज, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम बैनर्स को स्टोर कराएंगे। उसके बाद हम इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम सेलिंग प्राइस और टोटल प्राइस को स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे हमने सारे वेरिएबल बना लिए हैं। उसके बाद हम इन्हें कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करा लेंगे। उसके बाद हम एक आइटम डिटेल मॉडल का रेफरेंस लेके फ्रॉम जेसन फंक्शन बनाएंगे, जिसमें हम जेसन से मिले हुए डेटा को पार्स करेंगे। इसके अंदर हम एक मैप एक्सेप्ट करेंगे स्ट्रिंग डायनेमिक टाइप का। उसके बाद हम आईडी को मैप से मिली हुई आईडी के इक्वल कर देंगे। टाइटल को मैप से मिले हुए टाइटल के इक्वल कर देंगे। आईएमजी इमेज को मैप से मिले हुए आईएमजी की के इक्वल कर देंगे। डिलीवरी डेज को मैप से मिले हुए डिलीवरी डेज के इक्वल कर देंगे। डिस्क्रिप्शन को मैप से मिले हुए डिस्क्रिप्शन के इक्वल कर देंगे। यस। उसके बाद हम बैनर्स को मैप से मिले हुए बैनर्स के इक्वल कर देंगे। उसके बाद हम सेलिंग प्राइस को मैप से मिले हुए सेलिंग प्राइस सेल प्राइस के इक्वल कर देंगे। टोटल प्राइस को हम मैप से मिले हुए टोटल प्राइस के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ हमने आइटम डिटेल मॉडल बना लिया है। उसके बाद हम एक न्यू डार्ट फाइल बनाएंगे आइटम डिटेल कंट्रोलर डॉट डार्ट नेम से। इसके अंदर हम एक क्लास बना लेंगे आइटम डिटेल कंट्रोलर, जो कि एक्सटेंड करेगा गेट एक्स कंट्रोलर को। तो इसके अंदर सबसे पहले हम फायरबेस फायर स्टोर का इंस्टेंस बना लेंगे। उसके बाद हम एक फ्यूचर फंक्शन बनाएंगे जो कि वॉइड रिटर्न करेगा
कैट आइटम डिटेल नेम से। तो इसके अंदर सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे ताकि हम एरर को कैच कर सकें। ट्राई ब्लॉक के अंदर अवेट कीवर्ड लगा के फायरस्टोर डॉट कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर हम प्रोडक्ट्स पास कर देंगे क्योंकि हमें डिटेल्स प्रोडक्ट कलेक्शन के अंदर ही मिलेगी। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट आईडी पास करेंगे जो कि हमें मिलेगी होम स्क्रीन से आईडी। इसके बाद हम गेट फंक्शन को कॉल करेंगे जिससे हमें डेटा मिल जाएगा। उसके बाद हम देन फंक्शन को कॉल करेंगे। अब हम आइटम डिटेल को सेव करने के लिए आइटम डिटेल मॉडल बनाएंगे जो कि लेट इनिशियलाइज्ड होगा। उसके बाद हम देन फंक्शन के अंदर मॉडल की वैल्यू को आइटम डिटेल मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, अब फ्रॉम जेसन के अंदर हम वैल्यू डॉट डेटा पास कर देंगे जो कि हमारी जो हमें फायरबेस से वैल्यू मिलेगी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट में, वो हमारे डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को डॉट डेटा फंक्शन मैप स्ट्रिंग डायनेमिक टाइप में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके बाद हमें आइटम डिटेल्स मिल जाएगी। तो उससे पहले हम एक बूलियन वेरिएबल बना लेंगे इज लोडिंग नेम से जिसकी इनिशियल वैल्यू ट्रू होगी। तो जैसे ही हमें डेटा मिलेगा हम इज लोडिंग की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे और अपडेट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कैश में हम एरर को प्रिंट करा देंगे जो भी एरर आएगा। तो इसके बाद हम आइटम डिटेल स्क्रीन में जाएंगे और कंट्रोलर को इनिशियलाइज करा लेंगे। फाइनल कंट्रोलर गेट आउटपुट, पुट में हम आइटम डिटेल कंट्रोलर पास कर देंगे। कंट्रोलर इनिशियलाइज करने के बाद हम गेट आइटम डिटेल फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो इसके लिए हमें आईडी चाहिए होगी, तो आईडी को हम आइटम स्क्रीन से लेंगे। तो उसके लिए हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेंगे आईडी नेम से जिसे हम कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करा लेंगे रिक्वायर्ड कीवर्ड के साथ। उसके बाद हम आईडी पैरामीटर में यहाँ पर मॉडल डॉट डिटेल्स आईडी पास कर देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ से कॉन्स्टेंट डेटा को हटा के जो हमें फायरबेस से डेटा मिलेगा उसे लगाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा आइटम काउंट है पेज बिल्डर का, उसे जो हमारे पास मॉडल से जो बैनर लिस्ट मिलेगी उसकी लेंथ से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हम कॉन्स्टेंट इमेज की जगह जो हमें बैनर डेटा से, जो हमें मॉडल के थ्रू बैनर से इमेज मिलेगी उसको शो कर देंगे। यहाँ पर भी हम मॉडल से मिले हुए बैनर्स की लेंथ पास कर देंगे। उसके बाद हम एलईडी टीवी की जगह मॉडल से मिले हुए टाइटल को पास कर देंगे। टाइटल प्राइस में भी हम मॉडल से मिले हुए टोटल प्राइस को पास कर देंगे। यहां पर हम मॉडल से मिले हुए सेलिंग प्राइस को पास कर देंगे। सेलिंग प्राइस डिस्काउंट का फंक्शन हमने पहले ही आइटम स्क्रीन पे बनाया हुआ है, तो उसको हम यहां से कॉपी करके आइटम डिटेल कंट्रोलर में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जैसे ही हमें डेटा मिल जाएगा यहाँ पर एक डिस्काउंट नेम से वेरिएबल बना लेंगे जो इनिशियली ज़ीरो रहेगा। और जैसे ही हमें डेटा मिलता है हम डिस्काउंट की वैल्यू को
कैलकुलेट डिस्काउंट के इक्वल कर देंगे, और टोटल प्राइस में हम मॉडल से मिले हुए टोटल प्राइस को पास कर देंगे, और सेलिंग प्राइस में हम मॉडल से मिले हुए सेलिंग प्राइस को पास कर देंगे। उसके बाद हम व्यू में यहाँ पर डिस्काउंट पास कर देंगे, कंट्रोलर डॉट डिस्काउंट। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन की जगह कंट्रोलर डॉट मॉडल डॉट डिस्क्रिप्शन पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने डेटा को सेट कर दिया है। तो उसके बाद हम स्कैफोल्ड को यहाँ से कट करेंगे। यहाँ पर हम गेट बिल्डर से, यहाँ पे हम स्कैफोल्ड को गेट बिल्डर से रैप कर देंगे। वैल्यू ये गेट बिल्डर आइटम डिटेल कंट्रोलर टाइप का होगा, डिटेल कंट्रोलर। इसके बाद हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे, तो हमें कंट्रोलर से इज लोडिंग की वैल्यू मिलेगी। अगर वो फॉल्स है तो हम स्कैफोल्ड को रिटर्न कर देंगे। और एल्स में हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर रिटर्न कर देंगे। तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एलईडी बल्ब वन में हमने सिर्फ ये डिटेल आईडी पैरामीटर रखा है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एलईडी बल्ब वन को ढूंढेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें एलईडी बल्ब वन का डिस्क्रिप्शन मिल चुका है। तो अगर मैं किसी और पर क्लिक करूँगा तो हमें डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी मैंने बैक एंड पे सेट नहीं किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट पाथ मस्ट बी ए नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग एरर मिल गया है। तो अब हम ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम आइटम डिटेल कंट्रोलर फाइल के अंदर जाएंगे और एक न्यू फंक्शन बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा। इसमें ऐड आइटम्स टू कार्ट नेम से टू कार्ट, हम आइटम को जब कार्ट में ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें यूज़र की यूआईडी चाहिए होगी, तो तभी हम यूज़र में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे यूआईडी के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस बना लेंगे। तो उसके बाद हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अवेट कीवर्ड लगा के फायर स्टोर डॉट कलेक्शन, इसके अंदर हम एक यूज़र कलेक्शन क्रिएट करेंगे, यूज़र्स कलेक्शन। इसकी डॉक्यूमेंट के अंदर हम करंट यूज़र की यूआईडी पास करेंगे, यूज़र डॉट यूआईडी। उसके बाद हम एक और कलेक्शन बनाएंगे कार्ट नेम से। तो डॉक्यूमेंट आईडी में हम आइटम की आईडी को पास कर देंगे, जो कि हमें मिलेगा मॉडल डॉट आईडी। उसके बाद हम सेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। कार्ट में हम आइटम्स की पूरी डिटेल को स्टोर नहीं कराने वाले हैं, इसके अंदर हम एक सिर्फ आईडी पैरामीटर को स्टोर कराएंगे, जिसमें कि प्रोडक्ट की आईडी सेव होगी, जो कि हमें मिलेगी मॉडल डॉट आईडी से। कैच में हम एरर को प्रिंट करा देंगे। अब आइटम को कार्ट में ऐड करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि आइटम पहले से कार्ट में है या नहीं। तो उसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका भी रिटर्न टाइप वॉइड होगा, चेक इफ ऑलरेडी इन कार्ट। इसके अंदर भी हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे और अवेट कीवर्ड लगा के फायर स्टोर डॉट कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर हम यूज़र कलेक्शन के अंदर ही हमारे पास कार्ट कलेक्शन है, तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट में हम करंट यूज़र की यूआईडी पास कर देंगे।
कलेक्शन में हम कार्ड पास कर देंगे। अब हमें कार्ड कलेक्शन में ये सर्च करना है कि जिस प्रोडक्ट को अभी हम देख रहे हैं वो हमारे कार्ट में अवेलेबल है या नहीं, तो उसके लिए हम वेयर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो वेयर फंक्शन का यूज़ करके हम कलेक्शंस में डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर की का यूज़ करके। तो हम इसमें आईडी की का यूज़ करने वाले हैं। फिर हम इज इक्वल्स टू पैरामीटर में जो हमारे पास मॉडल की आईडी है हम उसे सर्च करेंगे। उसके बाद हम गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे जिससे कि हमें डेटा मिल जाएगा अगर ये आईडी प्रेजेंट होगी तो। उसके बाद हम देन फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम इफ़ कंडीशन में चेक करेंगे कि अगर जो हमें वैल्यू मिली है वैल्यू डॉट डॉक्स अगर वो एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे कार्ट में आइटम पहले से अवेलेबल है, और अगर वो एम्प्टी है तो इसका मतलब है कार्ट में आइटम अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हम एक बूलियन वेरिएबल बना लेंगे इज़ ऑलरेडी अवेलेबल नेम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स होगी। तो अगर हमें लिस्ट की वैल्यू एम्प्टी नहीं मिलती है तो हम इज़ ऑलरेडी अवेलेबल की वैल्यू को ट्रू कर देंगे, यानी कि ये आइटम पहले से अवेलेबल है। अब कैच में हम एरर को प्रिंट करा देंगे जो भी एरर आएगा। आइटम की डिटेल मिलने के बाद हम चेक करेंगे कि ये आइटम कार्ट में अवेलेबल है या नहीं। हम यहाँ से इसे कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोलर डॉट इज ऑलरेडी अवेलेबल अगर ट्रू है तो इसका मतलब है ये आइटम पहले से कार्ट में अवेलेबल है। तो तब हम यहाँ पर गो टू कार्ट शो कर देंगे, और अगर इज ऑलरेडी अवेलेबल की वैल्यू फॉल्स है तो हम ऐड टू कार्ट शो कर देंगे। चेक कर लेते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो अभी ऐड टू कार्ट की वैल्यू अभी तो हमें ऐड टू कार्ट शो हो रहा है क्योंकि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि अगर कंट्रोलर डॉट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल की वैल्यू ट्रू है, यानी कि वो पहले से कार्ट में अवेलेबल है, तो हम उसको कार्ट स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर देंगे। और अगर इज़ ऑलरेडी अवेलेबल की वैल्यू फॉल्स है तो हम कंट्रोलर डॉट ऐड टू कार्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे जिससे कि हमारा आइटम कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही यूज़र ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा हम इज़ लोडिंग की वैल्यू को ट्रू कर देंगे और अपडेट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जैसे ही आइटम कार्ट में ऐड हो जाएगा तो हम इज लोडिंग की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे। और अपडेट फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो जैसे ही आइटम कार्ट में ऐड हो जाएगा तो हम यहाँ पर चेक इफ ऑलरेडी इन कार्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेटा अपडेट होगा कि आइटम कार्ट में है या नहीं। तो अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे गो टू कार्ट शो हो रहा है क्योंकि हमारा आइटम कार्ट में ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास फायरबेस में एक न्यू कलेक्शन बन चुका है जिसमें यूज़र की यूआईडी है और उसके अंदर हमारे पास एक कार्ट कलेक्शन है जिसमें हमारे प्रोडक्ट की आईडी सेव है। तो एक बार मैं और प्रोडक्ट्स के साथ भी चेक कर लेता हूँ। तो हम आउटफिट्स में शर्ट वन के साथ चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे गो टू कार्ट शो हो रहा है। तो हमने यहाँ पर आइटम डिटेल को तो सक्सेसफुली बना लिया है। अब बात रही यहाँ पे इंडिकेटर्स की, क्योंकि ये अभी शो नहीं हो रहे हैं, तो जैसे हमने होम स्क्रीन में इंडिकेटर शो करे थे वैसे ही हम यहाँ पर भी शो करेंगे। तो इनका कोड सेम होने वाला है तो मैं अभी यहाँ पर मैं फ़िलहाल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हम कार्ड स्क्रीन की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम कार्ड स्क्रीन फोल्डर में चले जाएंगे और उसके अंदर हम एक न्यू फाइल बना लेंगे कार्ड स्क्रीन कंट्रोलर नेम से।
इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे कार्ड स्क्रीन कंट्रोलर नेम से, जो कि एक्सटेंड करेगी गेट एक्स कंट्रोलर को। तो सबसे पहले इसके अंदर हम फायरबेस फाइल स्टोर और फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें कार्ड के आइटम को गेट करने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम एक फ्यूचर फंक्शन बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा। सो गेट कार्ड आइटम्स, इसके अंदर भी हम एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अवेट कीवर्ड लगा के फाइल स्टोर डॉट कलेक्शन, तो हमें यूज़र कलेक्शन में ही कार्ड कलेक्शन मिलेगा, तो हम यहाँ पे यूज़र्स पास कर देंगे। और तो डॉक्यूमेंट में हम करंट यूज़र की यूआईडी पास कर देंगे। इसके बाद हम कलेक्शंस में कार्ड पास कर देंगे। अब कार्ड पास करने के बाद हम गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे जिससे कि हमें डेटा मिल जाएगा। अब कार्ड कलेक्शन में हमें सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी मिलेगी, तो प्रोडक्ट आईडी को सेव कराने के लिए हम एक लिस्ट बना लेंगे प्रोडक्ट आईडी नेम से। उसके बाद हम देन फंक्शन कॉल करेंगे। तो इसके अंदर हम प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू को वैल्यू डॉट डॉक्स डॉट मैप, तो हमें ई में डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मिलेगा, तो उसको हम ई डॉट डेटा पास कर देंगे, तो जिससे हमारा डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मैप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें मैप में कन्वर्ट करने के बाद इसकी सिर्फ आईडी पैरामीटर को पास कर देंगे, तो जिससे सिर्फ आईडी पैरामीटर जो है वो प्रोडक्ट आईडीज के अंदर असाइन हो जाएंगे। तो इससे तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी मिलेगी, तो हमें इस आईडी का यूज़ करके प्रोडक्ट की डिटेल्स को भी फेच करना है, तो उसके लिए हम एक फ्यूचर फंक्शन बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा गेट प्रोडक्ट डिटेल नेम से डिटेल्स। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि डिपेंड करेगा प्रोडक्ट आईडीज पर। तो उसके बाद हम हर आइटम के लिए प्रोडक्ट की डिटेल्स को फेच करेंगे जो कि हमें प्रोडक्ट आईडी से मिलेगी। तो उसके लिए हम अंदर एक ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेते हैं। उसके बाद हम अवेट कीवर्ड लगाएंगे फायर स्टोर डॉट कलेक्शन। अब हमारी प्रोडक्ट की डिटेल्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स कलेक्शन के अंदर स्टोर है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स पास कर देंगे। तो हमें प्रोडक्ट की आईडी की हेल्प से प्रोडक्ट की डिटेल फेच करनी है, तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोडक्ट की आईडी पास कर देंगे जो कि होगी आइटम। उसके बाद हम गेट फंक्शन कॉल कर देंगे। प्रोडक्ट की डिटेल्स को स्टोर करने के लिए हम एक और लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट जो कि आइटम डिटेल मॉडल टाइप की होगी प्रोडक्ट्स डिटेल्स। तो उसके बाद हम देन फंक्शन कॉल करेंगे। देन फंक्शन में हम प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट एड फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमें प्रोडक्ट्स की डिटेल मिलती रहेगी हम उसे प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर ऐड करते रहेंगे। तो ऐड प्रोडक्ट के अंदर हमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मिलने वाला है, तो हम उसे प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर आइटम डिटेल मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हमारे मैप को आइटम डिटेल मॉडल के अकॉर्डिंग पार्स कर देगा। तो हम फ्रॉम जेसन के अंदर वैल्यू डॉट डेटा पास कर देंगे। कैच में हम एरर प्रिंट करा देंगे।
प्रिंट ए। तो जैसे ही हमारा फॉर लूप एंड होगा, इसका मतलब है हमें डेटा कम्प्लीटली मिल चुका है। तो पहले हम एक बूलियन वेरिएबल बना लेंगे इज लोडिंग नेम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू ट्रू होगी। तो जैसे ही हमारा हमें डेटा कम्प्लीटली मिल जाएगा तो हम इज लोडिंग की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे और अपडेट फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो अब हमें जैसे ही प्रोडक्ट्स की आईडीज मिल जाएंगी तो उसके बाद हम गेट प्रोडक्ट डिटेल फंक्शन को कॉल कर देंगे, जिससे हमें उनकी डिटेल भी मिल जाए। तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट को फैच करने के लिए फंक्शन बना लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे ओन इनिट फंक्शन को ओवरराइड करेंगे, जो कि हमें गेट एक्स कंट्रोलर में इनबिल्ट मिलता है। तो इसके अंदर हम गेट कार्ट आइटम फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि कंट्रोलर के इनिशियलाइज होते ही कॉल होगा। तो उसके बाद हम कार्ड स्क्रीन डॉट डार्ट फाइल में जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोलर को इनिशियलाइज करा लेंगे। कार्ड स्क्रीन कंट्रोलर, उसके बाद हम यहाँ से स्कैफोल्ड को कट कर लेंगे। उसके बाद हम स्कैफोल्ड को गेट बिल्डर से रैप कर देंगे। ये गेट बिल्डर हमारा कार्ड स्क्रीन कंट्रोलर टाइप का होगा, स्क्रीन कंट्रोलर। इसमें भी हम इफ कंडीशन में चेक करेंगे कि जो हमें कंट्रोलर से इज लोडिंग की वैल्यू मिलेगी, अगर वो फॉल्स है तो हम स्कैफोल्ड को रिटर्न करेंगे, और अगर ट्रू है तो हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को रिटर्न कर देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ से कॉन्स्टेंट डेटा को हटा के फायरबेस से मिले हुए डेटा को शो करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कार्ड स्क्रीन में एक रिक्वायर्ड पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे आइटम डिटेल मॉडल नेम से। उसके बाद हम यहाँ पर इमेज की जगह मॉडल से मिली हुई इमेज को पास कर देंगे। और प्रोडक्ट नेम में हम मॉडल से मिले हुए टाइटल को पास कर देंगे, और टोटल प्राइस में हम मॉडल से मिले हुए प्राइस को पास कर देंगे। सेलिंग प्राइस में हम मॉडल से मिले हुए सेलिंग प्राइस को पास कर देंगे, सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट के लिए भी हम सेम फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे डिस्काउंट के लिए कैलकुलेट डिस्काउंट फंक्शन को पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर एक इंट वेरिएबल बनाएंगे डिस्काउंट नेम से। उसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोलर से मिले हुए कैलकुलेट डिस्काउंट फंक्शन को कॉल कर देंगे, जिसमें हमें दो पैरामीटर पास करने होते हैं, टोटल प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो टोटल प्राइस में हम मॉडल से मिले हुए टोटल प्राइस को पास कर देंगे, और सेलिंग प्राइस में हम मॉडल से मिले हुए सेलिंग प्राइस को पास कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर डिस्काउंट को पास कर देंगे डिस्काउंट, और यहाँ पर हम डिलीवरी डेज पैरामीटर को पास कर देंगे, जो कि हमें मॉडल से मिलेगा, मॉडल डॉट डिलीवरी डेज, सब कॉन्स्टेंट हटा देंगे। तो उसके बाद हम लिस्ट व्यू बिल्डर के आइटम काउंट में कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट डिटेल की लेंथ पास कर देंगे। कार्ट में हम कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट डिटेल्स के इंडेक्स पास कर देंगे। तो एक बार हम ऐप को रिस्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। मैं कार्ड पे क्लिक करता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें कार्ड स्क्रीन में
आइटम शो हो रहे हैं जो कि हमारे कार्ट में एडिट थे, तो हम एक दो आइटम और ऐड करके चेक कर लेते हैं। ग्रोसरीज में चेक कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट। तो यहीं से हम कार्ट में जाके देखते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आइटम भी कार्ट में ऐड हो चुका है। तो उसके बाद हम चाहते हैं कि हम जैसे ये रिमूव फ्रॉम कार्ट पर क्लिक करें तो ये आइटम कार्ट से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए हम कार्ट स्क्रीन कंट्रोलर में जाएंगे और एक फंक्शन बनाएंगे, फ्यूचर फंक्शन, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा रिमूव फ्रॉम कार्ट नेम से। इसके अंदर भी हम एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे, इसके अंदर हम अवेट कीवर्ड लगा के फायरस्टोर डॉट कलेक्शन, तो हमें यूज़र कलेक्शन के अंदर कार्ट मिलेगी, तो हम यहाँ पे यूज़र्स पास कर देंगे। डॉट डॉक, डॉक के अंदर हम करंट यूज़र की यूआईडी पास कर देंगे। कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर हम कार्ट पास करेंगे। अब कार्ट के अंदर हमें, तो जिस प्रोडक्ट को हमें रिमूव करना है तो हमें उसकी आईडी चाहिए होगी, प्रोडक्ट आईडी डॉट डॉक, तो वो हम पैरामीटर से लेंगे आईडी, तो हम उस आईडी को यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद हम डिलीट फंक्शन कॉल करेंगे जिससे कि वो डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट डिलीट होता है हम देन फंक्शन के अंदर गेट कार्ट आइटम को कॉल करेंगे जिससे कि हमें अपडेटेड कार्ट शो हो जाएगी। तो जैसे रिमूव फ्रॉम कार्ट फंक्शन कॉल होगा हम इस लोडिंग की वैल्यू को ट्रू कर देंगे और अपडेट फंक्शन कॉल कर देंगे। उसके बाद हम रिमूव फ्रॉम कार्ट के ऑन टैब में कंट्रोलर डॉट रिमूव फ्रॉम कार्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे और आईडी में हम मॉडल से मिली हुई आईडी को पास कर देंगे। तो इसके बाद हम किसी आइटम को रिमूव करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आइटम रिमूव हो चुका है, पर उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा कि हम जैसे ही गेट कार्ट आइटम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें ये श्योर करना पड़ेगा कि जो हमारे प्रोडक्ट डिटेल्स, जो हमारे प्रोडक्ट डिटेल्स लिस्ट है और प्रोडक्ट आईडी लिस्ट है वो दोनों ही एम्प्टी हो, नहीं तो हमें वो पुराने वाले प्रोडक्ट्स ही शो होंगे डिलीट होने के बाद भी। तो हम एक बार इस शर्ट वन को रिमूव करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आइटम रिमूव हो चुका है, तो हम इसको भी रिमूव करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वो भी रिमूव हो चुका है। अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ आपको फ्लटर से रिलेटेड मटेरियल देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं, इन दोनों की ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।